का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC All Jobs Online में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम CSF एग्जाम 2023 के बारे में। दोस्तों, CSF में जो है आपके जो सभी के जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से के पोस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है CSF का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, शानदार वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे CSF का एडमिट कार्ड का, जो बच्चे उनके लिए इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए गए हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, बताते हैं फिर आपको कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे कौन कौन सी पोस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि जो कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिले। और दोस्तों साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उससे क्या होएगा, घंटी का निशान बोलते हैं, जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जो भी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं CSF एग्जाम 2023 के एडमिट कार्ड के प्रोसेस के बारे में, कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, डायरेक्ट sarkarresult.com गूगल पे लिखोगे तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी है। और आने के बाद यहाँ पे जब आप एडमिट कार्ड के फोल्डर में आओगे, यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो इसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो CSF के एडमिट कार्ड है वो जारी हुए हैं। देख सकते हैं, एक तो हुआ है आपका CSF ASI स्टेनो एंड हायर कोस्टर मिनिस्ट्री एडमिट कार्ड 2023, एक तो ये वाला हुआ है, एक ये वाला हुआ है CSF कोस्टल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023, और एक ये वाला हुआ है CSF कोस्टल ड्राइवर्स DCPO एडमिट कार्ड 2023। तो ये तीनों के जो है एक साथ जो है जारी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था इनमें से, उस मतलब कि डाउनलोड करने का प्रोसेस सबका एक ही है। ठीक है दोस्तों, बाकी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये तीसरे वाले का, ड्राइवर वाले का, ड्राइवर वाले पर क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, धांसू होने वाले, देख सकते हैं SC ST की कोई भी फीस नहीं रखी थी। ये जो फॉर्म भरे गए थे आपके 23/1/2023 में भरे गए थे और 22 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको भी पता होगा। और जिसने भी इसका फॉर्म भरा था, 451 पोस्ट आपकी निकाली गई थी इसमें, हाई स्कूल एंड ड्राइविंग लाइसेंस से आपका ये भरा गया था। अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे आप, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड लिख रहे हैं, इसके सामने क्लिक लिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों बताना आपको, देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो है कैप्शन यहाँ पर डाला है, लॉगिन क्लिक करना है। ये तो हो गया इसकी बात, अब करते हैं हम इसकी बात, ये वाले की, ट्रेड्समैन की, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये जो फॉर्म भरे गए थे वो 2022 में भरे थे गए थे 11वें महीने में, लास्ट डेट जो थी इसकी 12वें महीने की 20 तारीख में 2022 में। यहाँ पे भी कोई फीस नहीं थी आपकी SC ST वालों की। तो इसके भी एडमिट कार्ड 17 तारीख में आ चुके हैं, तो नीचे डाउनलोड जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड वाइटर एग्जाम एडमिट कार्ड इसके सामने क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, उसके बाद ये कैप्चर इन्हें लॉग इन करेंगे। ट्रेड्समैन का इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आता है CSF ASI स्टैनो हेड कोस्टल मिनिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। ये फॉर्म भरे गए थे 26/9/2022 में, लास्ट डेट रखी गई थी 25/10/2022 शाम के 5 बजे तक। इसमें भी कोई फीस नहीं थी SC वालों की। एडमिट कार्ड इसके भी 17 में जारी हो चुके हैं, मतलब कहने का मतलब सबके जारी एक साथ हुए हैं, बस बाकी प्रोसेस मतलब कि सबकी पोस्ट अलग अलग है, बाकी डाउनलोड करने का प्रोसेस सबका एक ही है। अब इसके नीचे आएगा, यहाँ पे जो वैकेंसी थी आपकी 540 वैकेंसी थी आपकी, इसमें ये दो पोस्ट आपकी निकाली थी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SI स्टेनोग्राफर, एक तो ये वाली पोस्ट थी, एक ये वाली थी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये वाली दो पोस्ट इसमें निकाली गई थी। डाउनलोड वेटर एग्जाम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने में दोस्तों आपको सिंपल से बता रहा हूँ,
यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालिए अपनी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, महीना यहाँ पे जो मांगा गया है, महीना सबसे पहला दिन, महीना और अपना ईयर, और उसके बाद ये कैप्चर आप यहाँ पर डालेंगे लॉगिन पर क्लिक करके। जैसे आप लॉगिन पर दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट आपकी 31, 30 और 31 अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम देख सकते देख रखी है यहाँ पे। यहाँ इसका एड्रेस है, ये एड्रेस है कहाँ पे आपका पेपर है, और ये डेट आ रही है कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो जो इनका एग्ज़ाम है वो 30/10/2023 में है। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे से है, नहीं यहाँ पे जब आओगे ना यहाँ पे लिख रहा है 10:30 बजे। ठीक है दोस्तों, 8:30 बजे से 10:30 बजे तक तो इस कॉलेज में है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है पर्सनल डिटेल, आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी यहाँ पर क्लिक करेंगे। और डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडमिट कार्ड का, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कैसे रहेगा वो आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का आपका एडमिट कार्ड रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करा है। तो ये जो डाउनलोड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, फिर आपका यहाँ पे पद आ रहा है पोस्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नाम, पापा का नाम, आपका यहाँ पे रोल नंबर, ये CET VT अनुक्रमांक है, ये रोल नंबर है। यहाँ पे आपकी कास्ट वगैरह दिखा दी गई है। 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 7:30 से 8 बजे के बीच आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं कॉलेज में। 8:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 120 मिनट का आपका है, देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 से 8:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ये फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ़ोटो आपको जो है लेके जाना है। आप क्या क्या ले जाकर जाना है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप नीचे आओगे यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये जो है भरना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे खाली छोड़ देगा, और जहाँ पर आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा वहाँ पर आपका ये सर या मैडम आपको मिलेगी, वहाँ से आप पूछ लेना जो भी इसमें भरा जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो भर लीजिए, भरना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको नाम, यहाँ पे मदर का नाम, माता का नाम, अपना नाम, और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है इस बॉक्स में, इस फोटो में पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकेगा, फिर सिग्नेचर वगैरह होएगा, पिन कोड है, उम्मीदवार के अंगूठे का निशान दे रखा है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे दे रखा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप डाल दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देंगे, बाकी आप वहाँ भर लीजिए जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होएगा। अब दोस्तों ले जाना क्या क्या है वो समझ लीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निम्नलिखित चीज़ें अनिवार्य रूप से लानी है, जैसे कि 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो ले जानी है, 1 प्रवेश पत्र की 2 प्रति वो थी, मतलब 2 एडमिट कार्ड आपको ले जाने हैं, 1 प्रिंटआउट, एक उसकी फ़ोटो कॉपी करा लेना या प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। उसके बाद मूल पहचान पत्र, जैसे कि ओरिजिनल आईडी ले जानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका यही होना चाहिए उस आईडी में जो आपके फॉर्म में डली हुई है, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए। जो लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 35 नीला या काला बॉल पेन, ये आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ले जाना है परीक्षा पे। बाकी सब रीड कर लेना, पढ़ लेना जो नीचे दे रखा है, देख सकते हो। अभ्यर्थी इस पत्र को लिखित रिपोर्टिंग समय पर अपने आवेदित परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा 1.5 घंटा पहले, ताकि प्रवेश की संबंधी औपचारिकता का कार्य सहजता से किया जा सके। परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वारा परीक्षा समय शुरू होने से 1/2 घंटा पूर्व बंद कर दिया जाएगा, देरी से को आने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है अगर आप देरी से पहुँचोगे तो आपको यहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी प्रवेश के लिए, आपका जो है एग्ज़ाम छूट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट, जैसे कि प्रवेश पत्र उल्लिखित है, घड़ी सर्वर पर सेट की जाएगी। आपके स्क्रीन पर दाहिने कोने में शीर्ष काउंटर टाइम में आपके परीक्षा समाप्त होने का निर्देश, जहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे ना उसकी साइड में जो है आपका टाइमिंग चलता रहेगा, और वहाँ पे आप पता चल कर सकते हैं कितना टाइम आपका बच रहा है पेपर देने का, कितना आपका रह चुका है, कितना बच रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने बता दिया है, बाकी आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भी पोस्ट आपकी है इनमें से जो भी CSF की पोस्ट है उसे आप देख लीजिए, और अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है निकाल लेना आप। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे डाउनलोड करा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर
चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइए, आने वाली सबसे पहले वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। और दोस्तों जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड वो कैंडी के पास, के सभी को पता चल सके कि सीएसएफ के सबके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। देख सकते हैं तीन पोस्ट के यहाँ पर निकाले गए अलग अलग, एकदम जो है जारी हुए हैं सबके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। कुछ पूछना हो वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो मिलती रहती है छोटी मोटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।